सबसे पहले हम लोग टोटल एसएक्यू 15 टू पढ़ेंगे सर, 12 टू ईयर का और 3 टू हम एक्स्ट्रा दे दिए, 15 टू पढ़ के जाओगे आपका फिर वहाँ 2 या 3 आएगा तो कॉमन मिलेगा, और सर नहीं मिलेगा तो एकदम ईजी देते हैं यहाँ से खुद बना के लिख लोगे, क्योंकि अभी हम करवाएंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसा लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 2015 का आते हैं सर। 2015 में एसएक्यू का आया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उसमें से आया था गिव 2 एग्जांपल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सर अदर सोर्सेज का 2 एग्जांपल बताना है, तो सर बहुत सारा है, जल्दी आप लोग अपने मर्जी से 2 एग्जांपल अपना अपना बताओ, तो देखिए सब अपना अपना 2 एग्जांपल बताओ सर, 11 टू लिखाए थे, 11 में कोई 2 बता देना है, जल्दी बताइए। प्रेम बोला हॉर्स रेसेस, बिल्कुल। फैमिली पेंशन एंड गिफ्ट, बिल्कुल। फैमिली पेंशन एंड फीस, डिविडेंड रिसीव, वाह, फीस डिविडेंड रिसीव, गिफ्ट फीस, फैमिली पेंशन, लॉटरी, टीवी शो, फीस, बिल्कुल सही सर। 11 तो पढ़े हैं, 11 में से आपसे सिर्फ 2 तो पूछा, देखो है ना, तो सर 2 तो एग्जांपल देना बिल्कुल सही। तो सर हम लोग लिखेंगे कैसे एग्जांपल में लिखेंगे, 2 एग्जांपल ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आर, पहला लिखे डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, पहले 2 हम डाल दिए डिविडेंड और इंटरेस्ट, है कि नहीं, तो थोड़ा सा या डिविडेंड फ्रॉम का लिख सकते हो, इंडियन कंपनी भी अब लिख सकते हो, क्या इंडियन कंपनी भी तो टैक्सेबल है, सर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इन बैंक, आप लोग जो लिखो गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग 11 तो याद किए जो अदर सोर्स में आता है, आपसे 2 पूछा 2 लिख दिया, क्लियर है, ऐसे एग्जाम में ऐसा करके हेडिंग बना के 1 और 2 लिखोगे। चलिए 2015 में एक और क्वेश्चन आया था, स्टेट द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चार्ज करने का बेसिस क्या है, चार्ज करने का बेसिस क्या है अंडर द इनकम टैक्स 1961। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ओके क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कब कब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल बनाते हैं किसी आइटम को, बेसिस का मतलब यही है, चार्ज का मतलब हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कब काउंट करते हैं। तो सर देखते हैं अगर वो किसी भी चार्ट ऑफ हेड ऑफ इनकम में नहीं होता है तो सर वो टैक्सेबल नहीं होता है, सिंपल इसका बेसिस है, कैसे हम ये ना पढ़े थे कि पहले देखेंगे सैलरी में आता है कि नहीं, फिर देखेंगे सर वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है कि नहीं, फिर देखेंगे वो बिजनेस एंड प्रोफेशनल में आता है कि नहीं, फिर देखेंगे वो कैपिटल गेन में आता है कि नहीं, अगर सर चारों में नहीं आया तो सर नहीं आएगा। तो इसका बेसिस क्या है, सिंपल बेसिस है, अगर किसी हेड में भी टैक्सेबल ना हो तो सर वो हेड टैक्सेबल होता है इस हेड में, बस इतना सा लिखना है आपको 1 नंबर में। तो सर क्या लिखे देखो, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 द बेसिस ऑफ चार्जेस फॉर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सर अदर सोर्सेज का अंडर में चार्ज करने का बेसिस रीजन ये है इज दैट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी ऑफ द फर्स्ट 4 हेड ऑफ इनकम, शुरू का जो 4 हेड ऑफ इनकम है उसके अंदर वो आइटम टैक्सेबल नहीं होना चाहिए, अगर उसके अंदर टैक्सेबल हो गया तो फिर यह नहीं होगा। जैसे सर हम किसी कंपनी में काम करते हैं सैलरी मिलता है तो सर सैलरी में टैक्सेबल हो गया तो सरकार बोलता है फिर इनकम अदर सोर्स में नहीं लेंगे, तो 4 हेड ऑफ इनकम अगर टैक्सेबल नहीं है तो श्योर शॉर्ट है वो टैक्सेबल कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यही इसका बेसिस है, क्लियर हुआ, जल्दी इसके लिए कंफर्म करिए, हाँ सर क्लियर है, ये शुरू में बताए थे। और एक बात सर, इसका सेक्शन पूछे तो इसका सेक्शन बोलोगे 53, सेक्शन 53 शुरू में बताए थे कि ये कोई सैलरी में टैक्सेबल ना हो, कोई हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ना हो, कोई पीजीपी में टैक्सेबल ना हो, कोई कैपिटल गेन में टैक्सेबल ना हो, तो सर टैक्सेबल कहाँ होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, ये बात कहाँ बताया, सेक्शन 53 में, देखना ऊपर में लिखे थे। तो अगर इसका पूछे जो बेसिस ऑफ चार्जेस का सेक्शन कितना, तो बोलेंगे सेक्शन 53। चलिए सबको क्लियर है, तो सर 15 में यही 2 क्वेश्चन आया था, आपको 2 क्वेश्चन अच्छा से याद कर लेना है। चलिए और कोई डाउट किसी को, प्रेम सिंह सही बताया था एक आंसर, बिल्कुल प्रेम। आगे बढ़ते 2015 कंप्लीट, अब हम लोग पढ़ते 2016। सर 2016 में क्या क्वेश्चन आया था, तो सर 2016 का पहला क्वेश्चन, सर पहला क्वेश्चन आया था अंडर विच हेड सैलरी रिसीव बाय एमपी एंड एमएलए, सैलरी रिसीव बाय एमपी एंड एमएलए फ्रॉम द गवर्नमेंट विल बी टैक्सेबल, जो हमारे देश का एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो हमारे देश का एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो गवर्नमेंट से वो सैलरी रिसीव करता है, ये कहाँ टैक्सेबल होगा, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए कहाँ टैक्सेबल होगा। अच्छा बता ही चुका है प्रेम, बता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अलका, राहुल साव, राहुल वर्मा,
शंकर, शबनम, बिल्कुल सही जवाब, मौसम, कोमल, रानी, बिल्कुल सही, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, बट जो चैप्टर नहीं पढ़ा रहता ना तो लोग सैलरी देख के बोल देता कहाँ टैक्सेबल होगा, सैलरी का हेड में, नहीं यहाँ सैलरी नहीं है, यहाँ सैलरी मिलता, बट एक्चुअली क्या एमपी एमएलए के साथ गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, इसलिए टैक्सेबल का होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो सर यही लिखना है, क्या लिखना है, देखो एमपी एंड एमएलए आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सर एमपी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो सर इलेक्शन हारने के बाद भी बैठा रहता, ये लोग 5 साल के लिए होता है, फिर सरकार इलेक्शन लड़ेगा, जीते तो फिर रहेगा, नहीं तो हट जाएगा, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता, देयरफॉर सैलरी रिसीव बाय देम, इसलिए उन लोग जो सैलरी रिसीव करता है शैल बी टैक्स टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सर मतलब पहले ही पढ़े हम लोग, सम्स किए थे कि नहीं। सर क्वेश्चन नंबर टू, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम, सर 1961 के हिसाब से हम लोग जब इनकम कैलकुलेट करते हैं, विल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, सर हॉर्स रेसेस से रिलेटेड जो खर्चा होता है अलाउ एज अ डिडक्शन, क्या ये डिडक्शन के लिए अलाउ है, डिडक्शन का मतलब का माइनस कर सकते हैं, जल्दी बताइए यस या नो, जल्दी बताइए हॉर्स रेसेस से रिलेटेड खर्चा क्या हम लोग माइनस कर सकते हैं, अलका यस, 30% राहुल, राहुल सर नॉट, रानी यस, शंकर नो, राहुल वर्मा यस, मौसम यस, राहुल मौसम रानी, राहुल वर्मा असली मिस्टेक हुआ, और राहुल वर्मा डायरेक्ट 30% लिखा है, सब थोड़ा सा रूल निकाल के देखो, कैजुअल इनकम में लिखे थे लास्ट सेकेंड पॉइंट, उसमें लिखे थे कोई डिडक्शन एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, देखो, और सर इससे सम्स भी किए थे, या तो हम लोग घोड़ा से जीते थे इसमें 2000 रुपया खर्चा हुआ तो माइनस नहीं किए थे, तो कैसे आप लोग यस बोल रहे अभी, जल्दी बताइए, जाके देखो कैजुअल इनकम कॉपी खोलो, अब पॉइंट वाइज लिखे थे उसका लास्ट सेकेंड आइटम में देखो लिखा हुआ है, अगर सब देखे हो तो जल्दी से आप जहां से देख चुके समझ में आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, याद रखना कैजुअल इनकम के रिस्पेक्ट में हम लोग लॉटरी का एग्जांपल लिए थे, अगर 1000 का लॉटरी खेले है 1500 फंसा है तो 1000 माइनस नहीं होता है, चलिए रानी बोले यस सर, शबनम ओइंग एंड मेंटेनेंस रेस लगा था, नहीं ओइंग मेंटेनेंस नहीं है, ये क्या लिखा है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, घोड़ा दौड़ा के जीते है, ओइंग एंड मेंटेनेंस कहां है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, और वो क्या है ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है ना, ये हॉर्स रेसेस है घोड़ा जीता के, तो सर ये कैजुअल इनकम में आया, बिल्कुल सही रानी, बाकी को क्लियर हुआ, और राहुल बोला 30% रिडक्शन नहीं, तो सरकार काट के टैक्स लेता है, अगर कभी ये पूछे कि कैजुअल इनकम में कितना परसेंट टैक्स है तब बोलोगे 30%, कितना बोलोगे 30%, ठीक है ओके, सबको कंफर्म मानते, सबको क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर, चलिए ओके अलका क्लियर, हाँ अलका का भी गलत हुआ था, सर थर्ड नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर देख लो, क्या लिखे अंडर द सेक्शन, अगर आपको सेक्शन याद है 115B तो लिखना, मतलब नहीं लिखना, डायरेक्ट लेना अंडर द इनकम टैक्स 1961, अगर आपको याद है 115 बी तो ठीक है, अन्य तो कोई प्रॉब्लम नहीं लिखना का, अंडर द इनकम टैक्स 1961 इंटायर अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस, सर घोड़ा से जीता पूरा पैसा का होता है टैक्सेबल होता है विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, सर उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होता है उसको बोलते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर, वो माइनस नहीं होता, देखो क्या लिखे विदाउट एनी डिडक्शन ऑफ एनी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, हाँ रानी ठीक बोली है, जो आप लोगों को पता है अगर ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज होता तो सर माइनस होता, फीस रिसीव करता तो माइनस होता है, बट आपका कैजुअल इनकम में माइनस नहीं होता है, सर एक क्वेश्चन आएगा जो इस बार हम नहीं दे पाया या ईयर में आएगा, लॉटरी टिकट वो लोग दे देगा कभी कभी, भैया हम 1000 का लॉटरी खेले और 10000 रुपया फंस गया तो तुम मत करना 10000 में 1000 माइनस कर देना, क्या ये भी तो कैजुअल इनकम है तो पूरा टैक्सेबल होगा 10000, याद आएगा हम बार बता रहे लॉटरी टिकट का ज्यादा चांस आने का, और आता तो 90% गलती करता, सीधा बोलेगा 1000 का लॉटरी का टिकट है और उसके अगेंस्ट में 10000 जीते तो आप इनकम कितना डालोगे 10000, कि लॉटरी टिकट भी क्या कैजुअल इनकम, उसका एक्सपेंसेस माइनस नहीं होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इस साल 3 क्वेश्चन आया था, मे भी तीसरा क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस, सर सबलेटिंग ऑफ हाउस का होता है
सर हम मकान या घर किसी से भाड़े में लिए और वह घर हम किसी को भाड़े में दिए, तो बोला उस घर से जो हम कमा रहे हैं इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बोल भी दे रहा कि अगर हम किसी से घर भाड़े में लिए और उसको हम भाड़े में देकर कमा रहे तो ये मेरा टैक्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लगता है, क्यों, वाई, है ना, हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं लगता है? इसका मतलब ये है, जल्दी बताइए क्या रीजन होगा, क्या बोले? सबलेटिंग ऑफ हाउस, सबलेटिंग हाउस का होता है सर, हम घर भाड़े में लेते हैं और उसको भाड़े में देते हैं, तो वो कमाई होता है, उस कमाई को सरकार इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्स लेता, क्यों? ये सर हम प्रातः समय ही लिखा दिए थे आप लोग को, यस बिकॉज ही इज नॉट द ओनर। प्रेम बिल्कुल सही। राहुल बिकॉज द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस। अच्छा राहुल बोला मस्ट बी ओनर द हाउस, शायद राहुल आप हाउस प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में बोल रहे हो, बिल्कुल सही होगा तब। रानी ओनर नहीं है, बिल्कुल सही, अगर इनकम अदर सोर्स के रेस्पेक्ट में बोले तो ओनर नहीं है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स होगा तो मस्ट बी ओनर, बिल्कुल सही। यस दिस इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिल्कुल सही। शंकर ओनर नहीं है, राहुल वर्मा ओनर नहीं है, कोमल ओनर नहीं है। मौसम इन ऑर्डर टू बी टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द एसएससी मस्ट बी ओनर, वाह क्या बात मौसम, बिल्कुल सही, आपको याद है ही इज नॉट द ओनर, बिल्कुल सही, यही बात लिखना है कि क्यों नहीं होता है यहाँ, क्यों टैक्सेबल होता है, लिखेंगे कि इस घर का वो मालिक नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दिए सब, ये लिखने से आपको एक नंबर आ जाएगा क्योंकि एक नंबर का है सबना, बिल्कुल सही। सर क्या लिखे, इनकम फ्रॉम सब लेटिंग इज टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सेम लाइन आप लोगों में लिखे थे। इन ऑर्डर टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द हाउस, याद है सब लेटिंग जब प्राय थे जाके देखो वहां लिखा हुआ था, हम बोले थे क्वेश्चन पूछता है, क्लियर है? तो सर 2016 कंप्लीट, बोलिए किसी को डाउट, 2016 में तीन क्वेश्चन आया था सर, यहाँ तीन क्वेश्चन आया था तो तीन टू एमसीक्यू आया होगा, अगर सर 15 में दो ऐसे क्यू आया था तो चार टू एमसीक्यू आया होगा, कि टोटल कितने मार्क्स का, 6 मार्क्स का है, जल्दी बताइए यहाँ सर क्लियर, एक बार हट जा रहे, एक बार रीड कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए बिल्कुल सही सब जवाब दे रहा हाँ सर, क्लियर, आराम से फेयर करना, पहले सम्स फिर ऐसे क्यू फिर एमसीक्यू, ताकि समझ में आ कैसे पढ़ते हैं, पूरा उसी हिसाब से पढ़ा रहे, फेयर करो रोज उसको देखो, वहीं से एक तो क्वेश्चन उठेगा सर, ठीक है। चलिए तो सर हम लोग बोल सकते हैं 2016 कंप्लीट, अब आते हैं 2017 के लिए, तो चलिए अब 2017 का डिस्कस करते हैं। 2017 में पहला क्वेश्चन आया था, अंडर विच हेड ऑफ इनकम रेंट रिसीव फ्रॉम व्हीकल लैंड, रेंट रिसीव फ्रॉम व्हीकल लैंड जो रिसीव करते हैं वो किस हेड के अंदर में टैक्सेबल होता है? तो सर आप लोगों के लिए अभी इजी है, क्यों बोलो तो उसमें से निकाल के बताया, जब पेपर में देखो तो मिक्सअप रहता है, तो बार बार नहीं देखो तो फिर फंस जाओगे, क्लियर है? तो जल्दी बताइए कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा। प्रेम सिंह बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रीजन बताओ तो क्यों होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, हम आप लोगों को बताए हुए, एक मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो बताओ, रीजन बताओ। रानी बिल्कुल सही, अदर सोर्स में तो होगा, क्यों अदर सोर्स में होगा वो रीजन बताओ, अगर ये क्वेश्चन आ गया ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होता, क्यों? बिल्कुल सही मौसम, बिल्कुल सही जवाब, लैंड एंड बिल्डिंग अपार्टमेंट, ये वर्ड डाल दोगे आपका आंसर सही, क्यों? क्योंकि ये लैंड जो है बिल्डिंग के साथ अपार्टमेंट नहीं है, मतलब लैंड बिल्डिंग के साथ अटैच नहीं है, बिल्कुल सही जवाब, अगर सर वो बिल्डिंग के साथ अटैच होता तो अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लगता टैक्स, इसीलिए बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब सबना, बिकॉज इट इज नॉट अटैच विद द बिल्डिंग और
अपार्टमेंट, बिल्कुल ऐसा लिख देना इट इज नॉट एक्सेसिबल द बिल्डिंग, इतना ही लिख दो काफी समय। बट ये नहीं पूछा, आपसे पूछा किस हेड में हो, तो सिंपल जवाब देंगे है ना, रेंट रिसीव फ्रॉम वैकेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर वाई पूछता तो आप लोग जो जवाब दे रहे इट इज नॉट टैक्स, इट इज नॉट अटैच्ड विद बिल्डिंग। चाहिए इनकम रिसीव फ्रॉम वैकेंट लैंड वेयर देयर इज नो एग्जिस्टेंस बिल्डिंग, मतलब यह हिंट भी दे दिए वैकेंट लैंड जो बिल्डिंग के साथ कोई एग्जिस्टेंस मतलब ओपन जमीन है, शैल बी टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कंप्लीट। ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, हम तो हिंट दे दिए क्योंकि ये ओपन लैंड का मतलब बिल्डिंग नहीं है, अगर बिल्डिंग साथ में होगा तो उसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन इज एन इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जल्दी बताइए तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए क्योंकि अभी हम बता चुके हैं, आराम से लिखो देखते क्या जवाब आता है, जल्दी से लिखो। जल्दी से बताइए देखिए क्या आंसर आता है। प्रेम, व्हेन इट इज नॉट इन अदर फोरहेड, ओके। समना, व्हेन इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर एनी फोरहेड ऑफ इनकम, एनी फोरहेड नहीं लिख देना, फर्स्ट फोरहेड ऑफ इनकम, एनी बोलने का मतलब सब आ जा रहा, फर्स्ट फोरहेड नहीं, पहले आता सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीवी, कैपिटल गेन, बिल्कुल सही जवाब, अंडर द फोरहेड इट इज नॉट टैक्सेबल, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, सही जवाब सर लिखेंगे, व्हेन एनी टैक्सेबल इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी फर्स्ट फोरहेड ऑफ इनकम, फर्स्ट फोरहेड ऑफ इनकम इट विल बी टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर किसी चार हेड में अगर वो टैक्सेबल नहीं होता है, क्या लिखो, एनी फर्स्ट फोर, मैंने फर्स्ट फोर हेड ऑफ इनकम में अगर टैक्सेबल नहीं होता है तो सर वो टैक्सेबल कहाँ होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। समझ में आया किसी को प्रॉब्लम, एक बार देख लो एन एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर थ्री, सर गिव टू एग्जाम्पल ऑफ इनकम फ्रॉम इनकम दैट आर टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सर फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो उड़ा के बोला दो ऐसा एग्जाम्पल दो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल है। सर दो एग्जाम्पल अभी हम बताया, पहला दो ही लिख देना, डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, और सर हम लोग कहा कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फंड कंपनी बोल दिए थे, और इंटरेस्ट रिसीव इन फिक्स डिपॉजिट इन बैंक लिख सकते हो, बिल्कुल सही है जो टू एग्जाम्पल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्या लिखे थे, डिविडेंड फ्रॉम फॉरन कंपनी, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक, आप कुछ भी लिख सकते हो, हम पहले दो दिए वही याद रखना। सर 2017 कंप्लीट, 17 था ना, 2017 कंप्लीट, जल्दी देखिए रीड करिए और जल्दी से आप जहां सर क्लियर है। चलिए ऑलमोस्ट सब बोल रहा हूँ सर, क्लियर है, ओके। तो सर बोल सकते 2017 भी कंप्लीट, तो सर 15, 16, 17 और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी देख ले रहो, आराम से फेयर करो 15 क्वेश्चन, सर 12 क्वेश्चन आपका ईयर में आया, 3 क्वेश्चन केवल एक्स्ट्रा दे रहे, वो 15 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे आपका इसी में से आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते 2018 सर 2018 है ना, 2018 में सर क्या क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन था आपका आया था अंडर विच हेड ऑफ इनकम इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक इज अ टैक्सेबल। तो सर ये तो अभी तक एग्जाम्पल में पढ़ रहे, बोला बैंक डिपॉजिट, बैंक में अगर डिपॉजिट रखे उससे इंटरेस्ट कमाते कहाँ टैक्सेबल है, तो हम तो सर अभी दो एग्जाम्पल ही में लिखे, हाँ केवल पोस्ट ऑफिस में रखते हैं तो नहीं होता है, पर बैंक में तो टैक्सेबल होता ही है, तो सर क्या होगा, बोला कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा, तो सर कौन सा हेड में टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, क्यों, क्योंकि सर सैलरी में नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन है, क्योंकि हम बैंक में जाकर पैसा रखे तो बैंक ना तो मेरा मालिक है और ना ही उसका एम्प्लॉय है, तो सर ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, यहाँ का घर का कोई बात ही नहीं है, सर ये बिजनेस एंड प्रोफेशनल में नहीं आएगा, हम कोई बिजनेस नहीं करें बैंक के साथ, और लास्ट कैपिटल गेन नहीं होगा क्योंकि कोई कैपिटल एसेट नहीं है, सर बचा का इनकम तो है, तो सर इनकम है तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, सर क्या लिखेंगे,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बैंक इज टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सर एज ए इनकम फ्रॉम अदर या अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो तो बोलोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ टीचर. एक टीचर है जो रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा फॉर इवेल्युएटिंग द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी. कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पेपर को क्या किया, इवेल्युएट किया, आंसर स्क्रिप्ट को चेक किया. चेक करने पर पैसा मिल रहा, इज टैक्सेबल अंडर द विच हेड ऑफ इनकम. बताओ ये पैसा किस हेड ऑफ इनकम में टैक्सेबल होगा. जल्दी आप लोग बताइए, तो जल्दी बताइए कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा. सर बहुत तरह का ऐसा सम्स भी कर चुके हम लोग, देखिए आप लोग का याद है कि नहीं. रानी बोली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राहुल, शंकर, प्रेम, मौसम, कोमल, राहुल, मौसम. अच्छा मौसम साथ में हिंस दे रहा है, प्रेम भी हिंस दे रहा है. सर ये फीस वाला एग्जांपल है, बिल्कुल सही फीस का है, बिल्कुल सही. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है जो टीचर है वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का टीचर है. खाली यहाँ बोल दिया वो काकर आंसर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट कर रहा है, तो सर कोई रिलेशन नहीं एम्प्लॉय एम्प्लॉय का. तो सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है, तो सर रेम्यूनरेशन मिले, सैलरी मिले, फीस मिले, सर वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. ठीक है, बिल्कुल सही जवाब. तो सर क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम इवेल्युएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी. सर कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पेपर को चेक करने पर जो कमाई हुआ, रेम्यूनरेशन हुआ, इज अ टैक्सेबल एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सर ये टैक्सेबल होगा कहाँ होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. समझ में आया. थर्ड क्वेश्चन सर रिपीट आएगा. देखिए एक एक या दो साल 2016 में आया था शायद क्वेश्चन. सैलरी रिसीव बाई एमपी एंड एमएलए फ्रॉम द गवर्नमेंट इज टैक्सेबल अंडर द विच हेड ऑफ इनकम. सर एमपी और एमएलए जो सैलरी रिसीव करता है किस हेड में टैक्सेबल होगा. सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. अभी तो किए हम लोग और सर सम्स में भी किए थे, तो सर लिख सकते हैं एमपी एमएलए आर नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. देयरफॉर सैलरी रिसीव बाय देम शैल बी टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सेम आंसर लिखे हम लोग. तो सर 2018 भी कंप्लीट, एक बार जल्दी से रीड करिए फिर आगे बढ़ेंगे. जल्दी से बताइएगा. एक बार अच्छा से रीड कर लो. बिल्कुल प्रेम, बिल्कुल सही. अलका गुट, समनम, प्रेम, राहुल, राहुल वर्मा, मौसम. सर सबको क्लियर है. बढ़ाने का कुछ क्वेश्चन है. सर इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन एनी हेड. बिल्कुल रानी, बिल्कुल रानी. सबसे पहले एनी हेड तो बोलना ही नहीं है सर, वो सैलरी का हेड नहीं है, बोलोगे एनी हेड नहीं, इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इनकम तो है, वो कौन इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, बट सरकार का बोला हम लोग नहीं लेंगे. क्यों, क्योंकि सरकार पोस्ट ऑफिस को इंक्रीज करने वाले, डेवलपमेंट करने वाले, सर्वाइव कर पाया, नहीं तो पोस्ट ऑफिस बन जाए तो बहुत इंप्लॉय बैठ जाएगा. तो सर एनी हेड मत बोलोगे, लिखोगे कि इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सर कौन सा हेड का इनकम है, ये हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बट सरकार इसको बोला कि हम तुम लोग से टैक्स नहीं लेंगे, एग्जम्प्टेड कर दिया. ठीक है रानी, मेरा बात तो क्लियर हुआ है. रानी क्वेश्चन पूछी है, देखोगे आप लोग मैसेज में क्या पूछी है कि सर पोस्ट ऑफिस से जो है वो किसी हेड में टैक्सेबल नहीं है. किसी हेड में बोलना गलत है सर, इनकम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस जो इनकम है ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ही है, बट सरकार का बोला नहीं लेगा, तो सरकार जिसको बोल दिया नहीं लेगा, एग्जम्प्टेड हो गया. बट ये तो सैलरी में नहीं आएगा. सैलरी में क्यों नहीं आएगा, सर यहाँ एम्प्लॉय एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है. सर ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ कोई बिल्डिंग का बात नहीं हो रहा. सर ये बिजनेस एंड प्रोफेशनल में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशनल का बात नहीं हो रहा. सर यहाँ कोई कैपिटल गेन नहीं आया, क्योंकि कोई हम लोग बिल्डिंग और सिक्योरिटी नहीं बेच रहे. तो सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का इनकम है, बस सरकार का बोला हम लोग नहीं लेंगे. क्लियर है, क्यों नहीं लेंगे ये भी बता रहे. एक जमाने में पोस्ट ऑफिस बहुत चलता था, बट अब क्या हो गया, जमाना चेंज हुआ, समय चेंज हुआ, इंसान लोगों का डिमांड बढ़ा, वो लोग क्या करता लेटर लिखता ही नहीं है. तो सर किससे बात हो जाता, व्हाट्सअप, फेसबुक, डायरेक्ट कॉल. बट आने वाला 10 साल 15 साल पहले चल जाओ, आने वाला नहीं, पीछे जब था तो सर इतना मोबाइल तो नहीं था,
तो आदमी कैसे किसी को इन्फॉर्मेशन देता था, वो दे रहा था चिट्ठी। तू जमाने में कहा तो पोस्ट ऑफिस चलता था, ठीक है। अच्छा राहुल बोला सर सरकार बहुत अच्छे इतना लिबर्टी दे रहा है, बिल्कुल सही। हम लोग पढ़ेंगे बहुत कुछ टैक्स में डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोग यहाँ थोड़ा सा ओवरव्यू जा रहे हैं, जैसल में आओगे तो टैक्स पढ़ने में और मजा लगेगा कि और डिटेल में पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है। चलिए गुड, तो सर 2018 भी कंप्लीट, अब आते 2019 एंड लास्ट, क्योंकि आपको बोले थे 2021 में एग्जाम नहीं हुआ और 2022 में रिड्यूस सिलेबस था तो ये चैप्टर था ही नहीं, ठीक है, ये चैप्टर हटा दिया था। तो सर आते 2019 का पहला क्वेश्चन आया था, Why rent received by tenant from a rental let out premises, मतलब क्या बोला? अगर कोई tenant rent receive करता है किससे? Rental room वाला, इसका मतलब हम कहीं से रूम लिए और हम काके भाड़े में लगा दिए, तो हम tenant हो गए किसके? किसी का। तो सर वो rent receive करता है इस taxable under the head of income from other sources। सर income from other sources में taxable होता क्यों? सर घुरा फिरा के तो ही हो गया, सब लेटिंग वाला बात तो घुरा दिया कान। तो सर सब लेटिंग वाला में बताया था क्यों? क्योंकि सर ये ओनर नहीं है। क्या नहीं है? ओनर नहीं है, समझ में आया? क्वेश्चन को घुरा के बढ़ा तो सर लिख सकते हैं सेम बात। सर अच्छा थोड़ा घुराया, द प्राइमरी कंडीशन फॉर चार्जिंग इनकम अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर प्राइमरी कंडीशन, पहला कंडीशन है अगर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना है तो सर क्या होगा? ओनर होना चाहिए। सर वो तीन कंडीशन था, पहला बिल्डिंग होना चाहिए, दूसरा उसका मालिक होना चाहिए और दूसरा का इसका इनकम होना चाहिए। तो सर ये ओनर ही नहीं है, तो सो इन दिस केस द एसएससी इज नॉट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो एसएससी है मतलब यहाँ जो टेनेंट है वो घर का मालिक नहीं है, देयरफॉर इसीलिए दिस इनकम विल बी चार्ज अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसलिए किस सोर्स में हेडिंग और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। सर इतना नहीं लिख पाइएगा, दो लाइन है नहीं पढ़ा तो छोड़ दीजिएगा, खाली खाली लिखिएगा ही इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस सो इट इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सब थोड़ा बना रहे कि कभी कभी कान और घुरा के बोला ना तो आप पकड़ पाओ ये सब लैंग्वेज, और तो आप सिंपल लिखोगे, क्या लिखोगे? एसएससी इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस सो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्लियर है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं सर। 2019 में सेकेंड क्वेश्चन आया था, इज एक्सपेंसेस क्या खर्चा रिलेटिंग टू द हॉर्स रेस डिक्टेबल फ्रॉम द इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। क्या बोलना कि हॉर्स रेस से जो इनकम होता है और उसके रिलेटेड में जो खर्चा होता है क्या उसको माइनस कर सकते हैं, क्या माइनस करते हैं? ये भी एक तरह से क्वेश्चन रिपीट है, थोड़ा देर पहले जल्दी बताइए तो माइनस करते हैं। शिवम थैंक यू, थैंक यू शिवम, आज का पेपर कैसा गया? अच्छा बाकी लोग को क्लियर है? समझ में आ रहा आप लोग को? आगे बढ़ते हैं तो सर इसका आंसर होगा, आप लोग लिख चुके हो, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द हॉर्सेस is not deductible from the income from the horses। सर घोड़ा से जो कमाई करते हैं, जो विनिंग करते हैं उससे माइनस नहीं होता है, इट विल बी टैक्सेबल विदाउट डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस। सर ये पूरा टैक्सेबल होता है बिना कोई एक्सपेंसेस माइनस किए बिना। तो सर ये कहाँ पर है? हम लोग कैजुअल इनकम में, कैजुअल इनकम का लास्ट सेकेंड पॉइंट में बाद हम लिखाए थे कि कोई भी एक्सपेंसेस डिडक्ट नहीं होता है। समझ में आया? बहुत अच्छा, गुड शिवम। तो सर अच्छा सॉरी चल गया, तो सर 19 में कितना क्वेश्चन आया था? 19 में दो क्वेश्चन आया था, एक बार और देख लो थोड़ा सा, है ना। तो सर हम लोग का ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट और हम तीन क्वेश्चन और एक्स्ट्रा देंगे, तो सर ईयर का क्वेश्चन आप देखोगे तो 12 हुआ और तीन क्वेश्चन और दे रहे तो 15 क्वेश्चन। इस 15 क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लेना, इसी में से दो या तीन रिपीट होगा। अगर सर दो शॉर्ट क्वेश्चन आया तो 4 का आएगा एमसीक्यू, अगर तीन एसीक्यू आया तो क्या आएगा? 3 का आएगा एमसीक्यू। तो सर यहाँ से एसीक्यू बहुत ज्यादा बनता नहीं है, बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, इसीलिए आपको इसी में से कोई दो देगा या वैसे से वैसे तीन देगा। हमको लगता है इस बार दो देगा, तो 4 तो आता है एमसीक्यू देगा, तो एमसीक्यू तो और ही अच्छा सर, रूल पूरा पढ़ के बैठे हुए, ठीक है। तो जल्दी से बताइए यहाँ क्लियर है कि नहीं।
ओके सबका क्लियर, आराम से घर में ईयर वाइज 2015 2016 2017 करके फेयर कर लोगे। अगर रिपीट हो तो रिपीट भी लिख लेना ताकि लगे कि सब क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। तो चलिए सर तीन क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवा देते हैं, जो मेरे को लगता है कि हो सकता है तीन क्वेश्चन नया दे सकते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं, 15 क्वेश्चन को पढ़ के रखो और इसके अलावा कुछ दिया तो ठीक अपने से कर लोगे, ठीक है। तो चलते हैं, तो सर उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोल के आपको करवा दे रहे हैं। तो सर देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम बोल दिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ फैमिली पेंशन, सर फैमिली पेंशन के केस में हाउ मच अमाउंट इज अलाउड एज ए डिडक्शन, कितना अमाउंट डिडक्शन करने का मौका मिलता है, जल्दी बताइए, ये पूछ सकता है आप लोग से, जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन पूछा, फैमिली पेंशन के केस में कितना माइनस करने का मौका मिलता है। प्रेम बोला 15,000, शंकर बोला 15,000, बाकी लोग बोलो, कोमल 15, मौसम, रानी, राहुल, अब बिल्कुल सही हुआ, जो जो 15 बोला एग्जाम में काट देगा, जो जो 15 बोला एग्जाम में काट दिया जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा, याद करो दो में से जो लोअर होता है ना, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन और दूसरा 50,000, दोनों में जो छोटा होगा, दोनों में जो मिनिमम ना हो, डायरेक्ट 15,000 लिख दो तो कैसे होगा। बिल्कुल सही, अब सब सही जवाब दे रहे हो, तो सर इसीलिए हम क्वेश्चन दिए है क्योंकि आएगा तो तुम लोग 15,000 लिख के आओगे, अब मेरा गला कटवा दोगे, इसीलिए क्वेश्चन ईयर में नहीं आया, बट हम चाहते आए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बट स्टूडेंट गलती करेगा, या तो नहीं पढ़ा तो लिखेगा नहीं, और पढ़ा तो 15,000 लिख के आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको दिए है, थोड़ा अच्छा से पढ़ के आना, ठीक है। सर कैसे लिखेंगे, अगर नहीं याद है जो अभी नहीं याद है तो ऐसे लिखना, मिनिमम द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, स्पेशल अमाउंट 15,000, ये भी लिख दो तो चलेगा, और नहीं तो सर सेंटेंस में बना कैसे लिखेंगे, देखो क्या लिखे, 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन या ₹15,000, दोनों में से कोई, सर कौन वाला लेंगे, विच एवर इज लेस इज अलाउ एज अ डिडक्शन, इन दोनों में जो छोटा होगा वही डिडक्शन के रूप में अलाउ है, खत्म, क्लियर है। आए तो राहुल बोला सर वी आर आरपीएन, राहुल वाला नहीं कटे, नहीं सर ठीक है, नहीं कटना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करोगे है ना। चलिए सर क्वेश्चन वन क्लियर हुआ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये मिस नहीं होना चाहिए इसलिए करवा दिए हम, जहां आपका गलती हो सकता है वो क्वेश्चन हम डाल दिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, जिस ईयर आएगा हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़े या 15,000 लिखे, आप लोग से नहीं होना चाहिए गलती। सर और एक क्वेश्चन करवाते हैं, अंडर विच हेड विल इनकम फ्रॉम सबलेटिंग विल बी चार्ज, कौन सा हेड में सबलेटिंग चार्ज होता है, जल्दी बताइए, इसी को घुरा के बोला था खाली, यहाँ एक वर्ड डाल दी इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, ये आया हुआ साथ ईयर में फिर भी हम डाल दिए, कर लो सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा, चलिए इजी है, बिल्कुल सही जवाब, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग विल बी चार्ज इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस या अंडर द हेड ऑफ, अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच हेड ऑफ रेंट इनकम डिराइव बाई द नन ओनर ऑफ इज चार्ज टू टैक्स, थोड़ा सा कहानी घुरा के बोला, आप लोग बताओ तो क्या होगा इसका आंसर, अंडर विच हेड रेंट ऑफ इनकम डिराइव बाई, रेंट हम लोग ले रहे हैं, डिराइव बाई नन ओनर इज चार्ज टू टैक्स, कौन सा हेड में आएगा, रानी सही बोल रही है सर, राहुल भी सही, रानी ठीक से पकड़ ली है सर, एक तरह से क्या है सब लेटिंग ही है, बिल्कुल सही, सब बोला अदर सोर्सेस, सर ये सब लेटिंग ही है, कानी कान घुरा के पकड़ा इसलिए हम आपको करवा दिए, ऊपर में सब लेटिंग दिया जान उसके फिर नीचे डाल दिए, सर क्या बोला नन ओनर, नन ओनर मालिक नहीं होना, अब मालिक नहीं होना उसका रेंट रिसीव का इसका मतलब का जरूर किसी से लिया होगा और किसी को भाड़े में दे रहा, फिर बोल ले यहाँ क्या लिखा है नन ओनर माने मालिक नहीं है, मालिक नहीं है फिर भी रेंट रिसीव कर रहा है इसका मतलब क्या हो गया, किसी से घर लिया होगा फिर भाड़े में लगाया होगा, अगर मालिक होता तो सर वो अपना घर का मालिक होता, तो सर इधर घुरा फिरा के कहा सबलेटिंग ही है इसलिए हम दे रहे, कभी कभी सबलेटिंग को घुरा के दे सकता है तो वो दे दिए, सर टैक्सेबल का होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, तो सर क्या लिखिए, सर लिखे हैं
rent of income derived by a non-owner is charged to tax in the income from other sources. खत्म. खाली हम बताने के लिए इसलिए दिए कि सर सब रेटिंग को घुरा दिया है. बस. तो सर हम लोग का एसएक्यू शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्लीट एक एक मार्क्स का आएगा सर. यह दो रहेगा या तीन है, इससे ज्यादा नहीं दे सकते क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एरिया नहीं है, है ना. हाँ. समझ में आया. तो क्लास ऑफ करें हम लोग, जल्दी से जवाब दीजिए. हाँ सर क्लियर हो चुका है. तो सर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू प्रेम. ओके सबको क्लियर है. सबसे रिक्वेस्ट है कैजुअल मत लेना, आराम से फेयर कर लेना और उसको रेगुलर बेसिस में याद करते रहना, ठीक है. और हम बोल दें कल आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास है सर. फिर कल मिलेंगे रात को 9 बजे. सर कल क्या करेंगे? कल एमसीक्यू करेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, टैक्स पूरा कंप्लीट, ठीक है. अब टैक्स अपना प्रैक्टिस करते रहोगे तो वहां से आपका 40 नंबर हो जाएगा आपका. क्लियर है सर. 20 नंबर हाउस प्रॉपर्टी, 10 नंबर कैपिटल गेन और 10 नंबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. 40 नंबर का आपका तैयारी हो जाएगा. और 40 नंबर इस तरह करवा दिए कॉपी में फेयर है, रोज उल्टे उसको देखो तो सर 40 नंबर से बाहर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है. ओके प्रेम. तो चलिए आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर. हाँ जय हिंद बोला करो.